नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसका रुतबा करीम लाला, हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम से कम नहीं माना जाता था। यहाँ बात कर रहे हैं भाई ठाकुर की। भाई ठाकुर का जन्म 1953 को मुंबई के वसई विरार पालघर में हुआ। उसका पूरा नाम जयतेंद्र विष्णु ठाकुर है। उसके पिता का नाम विष्णु ठाकुर था। 1975 के आसपास नाला सुपारा वसई विरार में धीरे धीरे तरक्की होने लगी थी। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा था। भाई ठाकुर ने वहां हो रहे कामों में अपने आदमियों को उतार दिया था। वसई में पानी की दिक्कत थी। यहां भाई ठाकुर ने अपना दिमाग लगाया और पानी को बेचना शुरू कर दिया। उसके पानी के टैंकर चलने लगे। कहा जाता है आर्टिफिशियली पानी की किल्लत पैदा की गई। वहां जानबूझकर ना तो कुआं खोदने दिया गया और ना ही मोटर लगवाने की इजाज़त दी गई। इससे लोगों को मजबूरन पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता था। कहा जाता है कम दामों में भाई ठाकुर जमीन खरीदता और उसको वो महंगे दामों में बिल्डर्स को बेचा करता था। जब भी किसी बिल्डर को जमीन को लेने और बेचने में दिक्कत आती थी तो वो बिल्डर्स भाई ठाकुर और उसके भाइयों की मदद लिया करते थे। कहते हैं पुलिस भी इस मैटर से पीछे हट जाती थी क्योंकि उनको पैसों द्वारा तोल दिया जाता था। हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और डरा धमकाकर प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीदना, इन सभी धंधों से भाई ठाकुर ने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। एक समय भाई ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम किया था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े व्यक्तियों को जब भगोड़ा घोषित कर दिया जाता था तो उनको पनाह भाई ठाकुर दिया करता था। 1989 के आते आते भाई ठाकुर का पूरी तरह इलाके में नाम हो चुका था। इससे पहले उसके अन्य गैंगस्टर्स के साथ लड़ाई झगड़े भी हुए जिसमें उसके दुश्मन ने भाई ठाकुर की एक आँख भी फोड़ दी थी। लेकिन भाई ठाकुर अपने कामों से पीछे नहीं हटा, वो अपने धंधे में अड़ा रहा। 1989 को ही भाई ठाकुर ने निजाम अंसारी और सुरेश दुबे को मौत के घाट उतार दिया था। कौन था सुरेश दुबे और क्यों मारा भाई ठाकुर ने उसको, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का सुरेश दुबे अपने परिवार के साथ मुंबई के नाला सुपारा में काम के सिलसिले में आकर रहने लगता है। ये 5 भाई थे। इनका नाम था सुरेश दुबे, सुभाष दुबे, जयप्रकाश दुबे, नरेश दुबे और डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे। ओम प्रकाश दुबे चिकित्सक हैं। नाला सुपारा में जिस घर में ये सभी भाई रहा करते थे उसी घर के नीचे वाले फ्लोर पर उनका खुद का बिजनेस था। सुरेश दुबे का रियल एस्टेट का बिजनेस था। वहीं दूसरी तरफ भाई ठाकुर का इलाके में अच्छा खासा दबदबा माना जाता था। सुरेश दुबे प्लॉट और घर को खरीदा करता था और घर को वो रिनोवेट करवा कर आगे बेचा करता था। साल 1989 का वो दिन जब भाई ठाकुर सुरेश दुबे को मीटिंग के लिए अपने घर बुलाता है। वहां एक प्लॉट को लेकर भाई ठाकुर ने सुरेश दुबे से बात की। वो सुरेश दुबे से प्लॉट को खरीदना चाहता था लेकिन सुरेश दुबे ने प्लॉट को बेचने से इनकार कर दिया। भाई ठाकुर प्लॉट को कम दामों में खरीदना चाहता था मगर जब सुरेश दुबे ने प्लॉट को बेचने से इनकार कर दिया तो भाई ठाकुर के आदमियों ने उसको डराया धमकाया। प्लॉट को बेचने का सुरेश पर वहां दबाव बनाया गया। सुरेश दुबे जैसे तैसे कर वहां से अपने घर आ जाता है। उसने इसको लेकर अपने परिवार से बात की। परिवार पूरी तरह घबरा गया जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करने का डिसीजन लिया। जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उनको सारी बात बताई तो उल्टा पुलिस ने सुरेश और उसके भाइयों को भाई ठाकुर से ना उलझने की नसीहत दे डाली। कहा जाता है भाई ठाकुर ने सुरेश दुबे के घर रमाकांत पांडे को भेजा। वो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उस व्यक्ति ने सुरेश से भाई ठाकुर की बात को मानने को कहा लेकिन सुरेश दुबे ने उसकी बात नहीं मानी जिसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। मामला ठंडा होने तक सुरेश ने घर से ज्यादा बाहर निकलना बंद कर दिया और कुछ समय तक वो उत्तर प्रदेश जाने का डिसीजन लेता है। वहीं सुरेश दुबे का साला अमरनाथ उत्तर प्रदेश से नाला सुपारा आता है। सुरेश दुबे उसके साथ उत्तर प्रदेश जाने वाला था मगर इससे पहले सुरेश का साला अमरनाथ अपनी बेटी की शादी के लिए मुंबई के विले पार्ले में लड़के वालों से मिलने जाने वाला था तो सुरेश दुबे भी अमरनाथ के साथ निकल पड़ता है। 9 अक्टूबर 1989 को जब दोनों नाला सुपारा के रेलवे स्टेशन पहुंचे वहां सुरेश का साला जूतों पर पॉलिश करवाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश का ध्यान अखबार पढ़ने में था। तभी वहां कुछ शूटर्स आते हैं और वो सुरेश दुबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं।
इसमें सुरेश को 3 गोलियां लगी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसका बचना मुश्किल था। कहते हैं इस वारदात को मानिक पाटिल के शूटर ने अंजाम दिया था। इस वारदात को करवाने में भाई ठाकुर भी शामिल था। भाई ठाकुर को पता था अब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। जिसके बाद नाला सुपारा रेलवे पुलिस का हेड सुरेश के घर जाता है और वो सुरेश के परिवार से मिलता है और कहता है पुलिस कंप्लेंट में भाई ठाकुर का नाम ना लें। सुरेश दुबे के परिवार ने दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जाकर भाई ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उनकी वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सुरेश दुबे का परिवार बॉम्बे सेशन कोर्ट का रुख करता है, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण भाई ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुरेश दुबे का परिवार केस हार गया। समय बीत रहा था, परिवार सुरेश को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। वही परिवार घबराया हुआ था। घर से बाहर जाने के लिए उनको हजार बार सोचना पड़ता था। 1990 में भाई ठाकुर का छोटा भाई हितेंद्र ठाकुर को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली। इससे पहले हितेंद्र ठाकुर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद उसने MLA का चुनाव लड़ा और वो जीत जाता है। 1991 आ चुका था, सुधाकर नायक अब नए मुख्यमंत्री बन चुके थे। कई पुलिस ऑफिसर्स को बदला जाने लगा। रेलवे पुलिस के नए DIG आते हैं जिनका नाम था SS सुराडकर। उन्होंने जब सुरेश दुबे की फाइल को देखा तो उन्होंने सुरेश के परिवार से मिलने का सोचा। 18 मई 1992 को सुरेश दुबे के भाइयों ने SS सुराडकर के कहने पर एप्लीकेशन दी और तब जाकर भाई ठाकुर पर केस रजिस्टर्ड हुआ। वहीं 1993 में जब सुभाष सिंह ठाकुर ने माना था कि उसने 400 से भी ज्यादा हत्याएं की हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नेपाल के बॉर्डर से भाई ठाकुर, सुभाष सिंह ठाकुर और कई अन्य गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद भाई ठाकुर को दिल्ली तिहाड़ जेल में रखा गया। सुभाष सिंह ठाकुर को उम्र कैद की सजा हुई। वहीं कम इन्वॉल्वमेंट होने के चलते भाई ठाकुर बेल पर बाहर आ जाता है। कुछ समय बीतने के बाद पुणे के टाडा कोर्ट ने भाई ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई। भाई ठाकुर के जेल में जाने के बाद हितेंद्र ठाकुर ने अपने भाई का काम अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद उसका अंदर बाहर आना जाना लगा रहा। कभी वो मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते बाहर आ जाता तो कभी पैरोल पर बाहर आ जाता। कहते हैं कुड़की से बचने के लिए उसने कई कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। भाई ठाकुर ने वाइवा नाम का ट्रस्ट भी बनाया था। उसने इसके अंडर कई हॉस्पिटल और कॉलेजेस बनवाए। आपको बता दें वाइवा नाम उसने अपने माता पिता के नाम पर रखा। VI जो के उसके पिता विष्णु के नाम पर था और VA उसकी माता वसांती के नाम पर रखा था। 21 जनवरी 2021 को भाई ठाकुर के ठिकानों पर ED ने रेड डाली। 1,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे ये साबित हो गया कि वाइवा ट्रस्ट ने पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक से 1,000 करोड़ रुपए लिए थे। वो बैंक बाद में बंद हो गया। आम लोगों के मेहनत के पैसे मार लिए गए। इसमें उस बैंक का चेयरमैन भी शामिल था। बाद में उस बैंक को यूनिटी बैंक के हवाले कर दिया गया। भाई ठाकुर के भाई हितेंद्र ठाकुर की खुद की पॉलिटिकल पार्टी भी है, जिनमें उनके 3 MLA हैं। 2021 में भाई ठाकुर जेल से बाहर आ जाता है। कहते हैं जब भाई ठाकुर की लड़की की शादी थी तो वाइवा कॉलेज के ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया था। इस शादी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्टर्स भी आए थे। सबको हेलीकॉप्टर से लाया गया था। बताया जाता है भाई ठाकुर ने गलत कामों को छोड़ दिया है। वो विरार में अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहता है। उसके घर में कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और हाई लेवल का उसका रहना सहना है। तो दोस्तों ये थी भाई ठाकुर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।